हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस वी अकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास फोर्थ में सब्जेक्ट टीवीएस का लेसन नंबर 4, जो कि फ्लावर्स के बारे में है। फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर। लेसन का नेम है फ्लावर्स एवरीवेयर। अपने इसको आज आगे रीड करेंगे। हमने पहले भी लेसन ये पढ़ा एक पार्ट कि फ्लावर बहुत सारे कलर्स के होते हैं, ये अच्छी सुगंध देते हैं, ये देखने में आकर्षित होते हैं। अपने ने रोज़ के बारे में पढ़ा, ये बहुत सारे कलर्स का होता है, ठीक है। और इस पर बहुत सारे कीट पतंगे भी आते हैं, जैसे आपको पहले दिखाया था ना, ये देखो कीट पतंगे हैं, बबल बी, बटरफ्लाई, वास्प, मॉथ, हनी बी वगैरह, है ना, इसके बारे में पढ़ाया था। बाकी अपने सनफ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, रोहिड़ा के बारे में पढ़ेंगे, अदर फ्लावर्स के बारे में सब पढ़ेंगे। अब रोज़ से बनता क्या क्या है ये पढ़ेंगे अपने पहले। ये बुक पेज 27 पे है, पहले अपने पढ़ेंगे भी इस रोज़ से बनता क्या क्या है, फ्लावर से, रोज़ के फ्लावर से क्या बनता है। नेक्टर ऑफ फ्लावर्स इज ए स्वीट शुगरी सब्सटेंस। जो फूलों का रस होता है, फूल का रस मीठा पदार्थ होता है, वो सब्सटेंस यानी पदार्थ। रोजेज आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम। रोजेज का यूज़ किसके लिए किया जाता है, परफ्यूम बनाने के लिए। ए स्वीट एंड प्रिपरेशन ऑफ रोज पेटल गुलकंद इज ए वेरी फेमस डेजर्ट। एक स्वीटेंड यानी मीठी मीठी प्रिपरेशन चीज़ तैयार की जाती है रोज़ की पत्तियों से, जिसको गुलकंद भी कहते हैं। आप सब ने खाई है क्या गुलकंद? ये देखो पिक में भी है गुलकंद, ये रोज़ परफ्यूम बना हुआ है, ये गुलकंद है, गुलकंद खाते हैं। और ये रोज़ की पत्तियों से बनता है, गुलाब की पत्तियों से क्या तैयार होता है, गुलकंद। ये बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है, मिठाई तरह एक तरह से मीठा होता है, इसको मिठाई इसलिए कहा गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस रोजेज आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग गार्लैंड बकेट इन डेकोरेशन एक्स्ट्रा। अपार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा रोजेज गुलाबों का यूज़ किसके लिए किया जाता है, आर यूज गुलाब किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, फॉर मेकिंग गार्लैंड यानी फूलों का हार, गार्लैंड फूलों का हार, बकेट गुलदस्ता डेकोरेशन के लिए गुलदस्ते तैयार किए जाते हैं, और फूलों के हार तैयार किए जाते हैं किससे तैयार किए जाते हैं, रोजेस से, गुलाब से। बाकी सनफ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। सनफ्लावर देखो है ना, सूरजमुखी का फूल भी बोलते हैं इसको। इसकी इसका फूल का मुंह जिधर होएगा, जिस तरफ सूरज होएगा उस तरफ होएगा, इसकी डाली है ना उस तरफ मुड़ जाती है जिधर सूरज जाता है। तो अपने पढ़ेंगे इसके बारे में। द सनफ्लावर सूरजमुखी वी शैल लर्न इन हायर, यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट द सनफ्लावर इज एक्चुअली ए क्लस्टर ऑफ मैनी स्मॉल फ्लावर्स। आप आगे अगली बड़ी क्लासों में क्या पढ़ोगे कि सूरजमुखी का फूल है ये असल में क्लस्टर यानी समूह ऑफ मैनी स्मॉल फ्लावर्स, बहुत छोटे छोटे फूलों का समूह है, बड़ा ये फ्लावर बन जाता है इससे, बहुत छोटे फूलों से मिलके एक बड़ा फूल बनता है। ये फूलों का, छोटे फूलों का समूह है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फ्लावर ऑफ येलो कलर। ये बहुत ही आकर्षित, अट्रैक्टिव यानी आकर्षित पीले रंग का फूल होता है। कौन सा फूल होता है? सनफ्लावर का। द सनफ्लावर इज विजिटेड बाय वास्प एंड बीज। सनफ्लावर के ऊपर कौन कौन से कीट पतंग आते हैं? वास्प, भेंड, पहले पढ़ाया था ना, भेंड और मक्खियाँ, मक्खियाँ आती हैं, बीज यानी मक्खियाँ। वी गेट एडिबल ऑयल फ्रॉम द
सीड्स ऑफ सनफ्लावर, हम एडिबल यानी खाने योग्य तेल, जो खाने योग्य तेल है हम इसके सूरजमुखी के फूलों से प्राप्त करते हैं, ब्लैक ब्लैक फ्लावर के अंदर इस यहाँ बीज होते हैं, उनसे क्या निकलता है, तेल जो खाने के यूज़ होते हैं। अब इसको सनफ्लावर क्यों कहते हैं, वाई इज़ इट कॉल्ड सनफ्लावर, इसको सनफ्लावर क्यों कहते हैं इस फूल को। दिस फ्लावर अलोंग विथ इट्स स्टाक, स्टाक यानी स्टेम, ऑलवेज बैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, बैंड से यानी झुकी हुई रहना, इसकी जो तना होता है, इस फ्लावर का जो तना होता है हमेशा वो सूरज की दिशा में, सूरज की तरफ झुका रहता है। एज इट ऑलवेज फेसेस द सन इट इज कॉल्ड सनफ्लावर, क्योंकि इसका हमेशा मुंह किधर होता है, सूरज की तरफ, तो इसको क्या कहते हैं, सनफ्लावर। समझ आ गई सनफ्लावर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ होता है तो इसको सनफ्लावर कहते हैं। आगे है लॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, अपने लॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड्स कहते हैं कमल, देखो कमल का फूल है ये, पानी में खिलता है, कमल का फूल है ना ये, पानी में होता है लॉर्ड्स, आपको पता ही है सबको, इसके फूलों के बारे में पहले थर्ड में पढ़ा होगा अपनों ने, पहले वैसे भी अपने जानते हैं फ्लावर्स के बारे में ज़्यादातर, तो लॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। द लॉर्ड्स इज अवर नेशनल फ्लावर, ये तो हम सबको ही पता है कि जो कमल है हमारा राष्ट्रीय फूल है। दिस फ्लावर इज यूजली पिंक इन कलर, ये आमतौर पे फ्लावर है जो ये पिंक कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का रंग होता है इसका, गुलाब भी। द प्लांट ऑफ लॉर्ड्स ग्रोस इन वाटर, ग्रो यानी उगना, द प्लांट, प्लांट है जो पौधा है लॉर्ड्स का, किस में उगता है, पानी में। डू यू नो, क्या आप जानते हो, द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, जो पौधे पानी में उगते हैं आप जानते हो क्या उनको क्या बोलते हैं, जलीय पौधे, एक्वाटिक यानी जलीय, जल में पैदा होने वाले पौधे। इन हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म में, रिलीजन यानी धर्म में, हिंदू धर्म में द लॉस्ट लॉटस इज कंसीडर्ड ए स्केयर्ड फ्लावर, स्केयर्ड यानी धार्मिक, कंसीडर्ड माना जाता है लॉर्ड्स को, एक धार्मिक फूल भी माना जाता है, इसको माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हैं और माँ लक्ष्मी इसमें, माँ सरस्वती है जो इसमें निवास करती है, बैठती है। इट इज़ सैड, इट इज़ सैड, ये कहा जाता है कि दैट द गॉडेस ऑफ विजडम, विजडम यानी बुद्धिमत्ता, जो अपने को बुद्धि देती है वो देवी, गॉडेस यानी देवी, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती सिट्स ऑन इट, इस पर बैठती है, इसका किस, माँ सरस्वती किस में बैठती है, कमल के फूल में विराजमान होती है। द स्टेम ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स की जो तना होता है, इज यूज्ड टू मेक वेजिटेबल, उससे क्या बनता है, सब्जी भी बनती है। स्टेम ऑफ लॉर्ड्स इज यूज टू मेक वेजिटेबल, वेजिटेबल भी बनती है, सब्जी बनती है, बनाई जाती है इससे। द लॉर्ड्स फ्लावर इज ऑफर्ड टू माँ लक्ष्मी ऑन दीपावली, दीपावली पे माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाया जाता है। कमल का फूल कब चढ़ाया जाता है माँ लक्ष्मी को, दीपावली पर, दीपावली पे पूजा होती है माँ लक्ष्मी की, हम सभी करते हैं ना, आप भी करते हो, तो तब माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना अच्छा माना जाता है। अब अगले पेज पे पढ़ेंगे अपने 28 पेज पे, ये टेबल आया अपनों अपने पास, टेबल क्या है, फ्लावर्स का नेम लिखना है, उसका कलर लिखना है, फिर उससे क्या बनता है ये लिखना है, क्या क्या बनता है।
देख रहे हो ना आप सभी, आपको ये नोटबुक में करना है। मेक ए लिस्ट ऑफ फ्लावर्स विच यू हैव सीन। अपने फ्लावर्स की लिस्ट बनानी है जो आपने देखे हैं। राइट द कलर ऑफ फ्लावर और फ्लावर का रंग लिखना है। ये देखो लिखे हैं। और इट्स यूजेस इफ एनी, प्रेजेंट इट इन ए टेबुलर फॉर्मेट। तो ऐसे एक टैब बनाना है टेबल के जैसे, तो उसके यूज़ भी बताने हैं अभी क्या यूज़ होते हैं इसका। जैसे बताया फर्स्ट नंबर पे फ्लावर कौन सा है, हिबिस्कस। हिबिस्कस कौन से कलर का होता है, रेड पिंक येलो एक्स्ट्रा। और इससे क्या बनता है, मेडिसिन। क्या बनता है देखो, यूजेस किस में होते हैं, मेकिंग गारलैंड यानी हार बनाने में, परफ्यूम, मेडिसिन और डाई। क्या क्या बनता है इससे, अपने पहले ही बिस्कस का देखा है। ये रेड पिंक येलो एक्स्ट्रा, तीन कलर के तो बता ही रखे हैं, और कलर का भी हो सकता है। इससे क्या बनता है, मेडिसिन। अमलतास, अमलतास येलो कलर का होता है, मेडिसिन बनती है इससे। मैरीगोल्ड, गेंदा, ये सब ने अपने घरों में होते हैं येलो कलर के लगे होते हैं ना, कोई डार्क येलो का होता है कोई लाइट येलो का होता है, तो इससे मेडिसिन और गारलैंड भी बनते हैं, हार बनते हैं ना भगवान को चढ़ाए जाते हैं। जैस्मिन वाइट कलर का होता है, चमेली का फूल, परफ्यूम बनता है इससे। प्लाश या ढाक रेड कलर का होता है ये, और मेडिसिन बनती है इससे। हरी हरसिंह या परिजात, परिजात ये वाइट कलर का होता है, इससे मेडिसिन बनती है। क्या बनता है इससे, मेडिसिन। ठीक है, अब अपनी इस टेबल को आपने करना है, अपनी नोटबुक में बनाओगे इस टेबल को, लिखोगे किससे क्या बनता है, क्या कलर होता है फ्लावर का। समझाइए क्या आपको। अब आगे रोहिड़ा के बारे में पढ़ेंगे। रोहिड़ा, ये देखो रोहिड़ा का फ्लावर है, ये अपना स्टेट फ्लावर है, राज्य फ्लावर है, राज्य फूल है अपना। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फ्लावर, क्या इस फ्लावर को आप पहचान सकते हो, क्या इस फ्लावर को पहचान सकते हो आप। दिस इज रोहिड़ा, ये रोहिड़ा है, रोहिड़ा है। देखो ये फ्लावर करके दो दिए, पूरा गुच्छा दिया है रोहिड़ा का। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड नो इट बाय द नेम ट्रैकोमेला उंडुलता, 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 ट्रैकोमेला, ट्रैकोमेला उंडुलता के नाम से इसको जाना जाता है। जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट वैज्ञानिक पूरे संसार के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी पूरे संसार के, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट है वैज्ञानिक है, नो इट इसको जानते हैं किस नाम से, ट्रैकोमेला उंडुलता के नाम से इसको जानते हैं, इस फ्लावर को, रोहिड़ा के फ्लावर को। इट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का क्या ये स्टेट फ्लावर है, राज्य फूल है। राज्य फूल कौन सा अपना, रोहिड़ा। आपको पहले भी ये बताया जा चुका है, फिर वापिस वापिस बता रहे हैं, तो आपको आना चाहिए। ये टेबल भी आपने अपनी नोटबुक में करना है, ओके। और इस लेसन को अच्छे से पढ़ोगे, और जो बाकी रह गया लेसन थोड़ा सा रह गया, इसको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा, आगे टिक आउट फिलअप वगैरह कराए जाएंगे। और अपनी नोटबुक में आपने ये वर्क करना है, टेबल बनाना है, अच्छे से लर्न भी करना है। आपको पता होना चाहिए कौन से फ्लावर का क्या रोल है, क्या बनता है इससे। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखा करो दो तीन बार, जिससे आपको समझ आ जाए। अपना वर्क है जो साफ़ सुंदर करना है, टेबल साफ़ सुंदर बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।